बिहार में हो रही जातीय जनगणना पर हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है, जिसके बाद से सरकार ने सभी जिले के डीएम को निर्देश दिए कि जातीय जनगणना के दूसरे फेज के काम को फौरन रोक दिया जाए। वहीं हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद बिहार में सियासी गर्मी बढ़ गई है, जिसे लेकर सभी राजनीतिक दलों में खलबली सी मची हुई है। सभी राजनेता अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। हाई कोर्ट के अंतरिम रोक के बाद आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान सामने आया है। हम लोग को नहीं करेंगे, अब आप लोगों को करना है करें। तो हम लोगों ने फिर मीटिंग की आपस में और सभी पार्टी ने मिलकर के तय किया है बिहार में और क्या होगा उसका नाम। तो जाति आधारित जनगणना तो हम लोग नहीं कर सकते, इसलिए हम लोगों ने जाति आधारित गणना की बात की कि हम लोग एक बार कर लें और सब लोगों की राय से भाई एक साथ बैठ के तय हुआ। और हम लोगों ने किया कि सबका तो गिनती भी हो जाए और दूसरी बात है कि आर्थिक स्थिति की हो जाए, कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो, सबका कर रहे हैं ना हम लोग जी। तो हम लोग तो किसी सबके हित में कर रहे हैं। अब पता नहीं इसका विरोध कैसे हो रहा, हमको समझ में नहीं आता। इसका मतलब लोगों को मौलिक चीज की समझ नहीं। और ये तो होने का डिमांड कितना दिन से हुआ है बताइए, पहले तो होता ही था अंग्रेजों के जमाने में, लेकिन 1931 से बंद हुआ। अब बाद में सब लोगों ने कहा था कि अब आगे होगा आगे होगा, अब इस बार तो मेरे हो ही नहीं रहा है भाई। जो होता है हर 10 साल पर पूरे देश के बारे में, तो वही नहीं हो रहा है अभी। जाति आधारित की बात हम नहीं कर रहे हैं, पूरे कर रहे हैं। अब आप जानते जो गिनती होता है देश के,